मैं अभी वही बात कर रहा था कि समाज में क्यों हम इंट्रोडक्शन वाले इस लेक्चर की क्लास में जो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, इसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर आखिर कैसे काम करता है। तो बहुत सिंपल सा फंडा कंप्यूटर के काम करने का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे काम करता है। मैंने अभी आपको बताया सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पहले से बने बनाए प्री डिफाइंड नोट्स होते हैं जो कंप्यूटर में डाल दिए जाते हैं और उनको आप देख नहीं सकते। हवा महसूस करने की चीज़ है, देखने की नहीं। भूख आपको लगती है, भूख देखने की चीज़ नहीं है, महसूस करने की चीज़ है। नींद आती नहीं है आपको, वो एक फीलिंग होती है जो अंदर से आपको महसूस होती है। किसी ने कहा कि सर मैं नींद को देख के आ रहा हूँ, ज़रा भूख से मिल के आ रहा हूँ, ज़रा किसी ने बोला आज तक? अगर वो बोलता है या तो वो खुद है या तो आपको बना रहा है, मूर्ख। और उनको ये बात बता दो कि आगरा का पागलखाना शिफ्ट हो गया वहाँ से, तो ये खबर उनको कर दो। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। तो चलिए, हम कंप्यूटर की बेसिक्स पे काम कर रहे थे, आज हम सीखेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो आखिर कैसे यहाँ तक पहुँचा। आज हम कंप्यूटर 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 ये बात इसका गाना गा रहे हैं, बट ये सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, स्टार्टिंग इसकी कैलकुलेटर से हुई थी। कहाँ से हुई थी? चलिए हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के पहले टॉपिक की। और द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, नोट कर लीजिए आप लोग चाहें तो रफ कॉपी में, फिर कॉपी घर पर करिएगा। इसकी हेडिंग होगी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। आज का डेट क्या है? ओके, मैं पहला जो नाम लिखूंगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में वो होगा अबैकस। क्या नाम होगा? चलिए देखते हैं अबैकस क्या होता है। वर्ड्स क्लियर हैं कैमरा में? सारे वर्ड्स डिफाइंड हैं, देख कर समझ में आ रहा है? वर्ड्स क्लियर हैं सारे? प्लस एंड माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं बैकस के लिए। अब इसका मैं आपको शेप दिखाता हूं। क्या दिखाता हूं? शेप। एक टेबलॉइड फॉर्म में, एक बड़े से टेबलॉइड फॉर्म में अभी बच्चों के लिए आप लोग खरीदते भी होंगे आजकल, बर्थडे गिफ्ट करते हैं बच्चों को आजकल ये कैलकुलेटर के मोड में। यहाँ पे कुछ एकदम मोतियों जैसा नहीं होता है, इनको बहुत पसंद है इवन नंबर। तो इन्होंने चार रोटियाँ खाई, एक रोटी क्या हो गई? बच गई। तो यहाँ पे चार को टिक करेंगे, वन को क्रॉस करेंगे, नहीं खाया वन रोटी। क्या हुआ? यहाँ ज़्यादा खा लिया, यहाँ बराबर खाया, यहाँ एक बच गई। तो जो बच गई इस टॉपर लगाया। क्या लगाया? समझ रहे हैं आप? चार रोटियां ऊपर हो गई, चार मोतियां ऊपर हो गई और एक मोती नीचे। वो मोती मोती होगा आपके पे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल हम देखते हैं कि अदर डिवाइसेस से काम कैसे होता है। ठीक है, मैं इसका लास्ट
जो कहते हैं इसका नेम कह लो या इसका पार्ट एंडिंग कह लो, वो लिखवा देता हूँ। इसको बनाया किसने था, ठीक है? तो मैं इसका लास्ट नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इन्वेंटेड बाई, नोट कर लीजिएगा आप लोग, इन्वेंटेड इन चाइना बाय बेबीलोनियंस, बेबीलोनियंस कम्युनिटी, क्या लिखेंगे आप, सभ्यता कम्युनिटी, इन द ईयर, इन द ईयर 3000 बीसी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है? कहीं पे सी ई लिख के अगर आ जाए तो सेंचुरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और 100 ईयर्स की वन सेंचुरी होती है, 10 ईयर्स का वन डिकेड होता है, वन डिकेड को एक दशक बोलते हैं, 10 वर्षों का एक दशक होता है, 100 वर्षों का एक सेंचुरी होती है, वही जो आईपीएल में या किसी और उसमें लोग मारते हैं सेंचुरी 100 ईयर्स की। चलो आज के बस इतना काफ़ी, बाकी कल हम अदर डिवाइसेस को देखेंगे और समझेंगे कि हमारा कैलकुलेशन कैसे होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड माय यूट्यूब फैमिली, मोस्ट वेलकम।